सो ये नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट नंबर 1 आई है ऑफ 2021 डेटेड 3rd February 2021। तो टोटल हमारे पास 927 पोस्ट आए हैं इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट से। जल शक्ति डिपार्टमेंट से 465 पोस्ट है, हॉर्टिकल्चर से हमारे पास 345 पोस्ट आए हुए हैं, लॉ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स से 41 पोस्ट आए हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट से 2 पोस्ट है एंड इंफॉर्मेशन से 74। सो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हमारे पास है दैट इज़ 927। अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल द एस्पिरेंट्स। सो स्टार्ट होगी फॉर्म भरने की डेट जो स्टार्ट होगी 24th February से, आप फॉर्म भर सकते हो, आपके पास लिंक आ जाएगी फॉर्म भरने की, और जो लास्ट डेट है वो 24th March है। ओके, सो ये थोड़ा बेसिक सा था। अब हम देखते हैं कि पोस्ट्स के, थोड़ा पोस्ट को देखते हैं। सो ये हमारे पास पोस्ट है, यूटी में 65 पोस्ट टोटल है, ओपन मेरिट में 33, डिपार्टमेंट जल शक्ति है, पे स्केल भी दिया हुआ है 35,400 टू 1,12,400। सो क्वालिफिकेशन भी दी हुई है और क्राइटेरिया भी दिया हुआ है। सो यहाँ पे इंजीनियर्स यहाँ जिन्होंने 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में किया होगा तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसी हमारे पास डिफरेंट पोस्ट है, साथ में आपको पोस्ट का नाम, डिपार्टमेंट का नाम एंड पे स्केल और क्वालिफिकेशन प्लस एग्ज़ाम क्राइटेरिया के एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, उनको क्राइटेरिया सिलेक्शन के लिए क्या रहेगा। और एक बात, जो ये जूनियर असिस्टेंट के जो पोस्ट है जो आपने इससे पहले भी भरे हुए थे, जिन बच्चों ने BCA, BE, BTech, MCA, MSc, IT या BSc विद कंप्यूटर एज वन सब्जेक्ट किया हुआ है, उनको ये 6 months सर्टिफिकेट जो है कंप्यूटर कोर्स की देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, जिन्होंने ऐसे इस पोस्ट की, आप देख सकते हो डिफरेंट पोस्ट्स है। और जब आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आपने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है, सो इस पोस्ट पे जब आप अप्लाई करते हो तो आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग से अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपने जूनियर पोस्ट के लिए अप्लाई किया तो एक फॉर्म में आपके सारे डिपार्टमेंट्स कवर हो जाते हैं। वहाँ पे आपको ऑप्शंस भी आते हैं कि आपको यूटी लेवल पे, आपको यूटी ग्रेड में भरना है, डिस्ट्रिक्ट ग्रेड में भरना है, या फिर जम्मू ग्रेड में, कश्मीर ग्रेड में, तो आपको ऐसे वहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। तो आपको, आप उन सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जब आप उन सबको सिलेक्ट करते हैं तो जितने भी जूनियर पोस्ट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स के हैं, आप सब में एक ही फॉर्म से अप्लाई कर सकते हैं। आपको हर पोस्ट के लिए अलग, एक ही पोस्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट्स के लिए अलग से अप्लाई नहीं करना है। बट अगर आप डिफरेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको डिफरेंट फॉर्म भरना होगा। ओके, सो ये सब पोस्ट है, आप देख सकते हो खुद से, आप जहाँ पे आप रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करते हो तो आप वो पोस्ट भर सकते हो। अभी लिंक नहीं आई है, एक बार जब लिंक आ जाएगी तो हम आपको फॉर्म भर के भी दिखाएंगे। सो दीज आर द डिफरेंट पोस्ट्स, ये आप खुद से भी देख सकते हो, आप ये डाउनलोड कर सकते हो PDF, या मैं आपको लिंक दे दूँगी लास्ट में जहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। सो यहाँ पे लास्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है दैट पॉइंट नंबर 2, इट इज़ फर्दर क्लैरिफाइड दैट कैंडिडेट्स हैविंग डिग्रीज लाइक BCA, BCS, BCM, BE और BTech इन कंप्यूटर IT, MCA, MCS, MCM, BSc IT, MSc IT, ME, MTech in computer IT or BSc with computer as a subject are not required to possess the 6-month certificate course in computer from a recognized institute. Okay, so ये notification आई है, आप जब इसकी last date, sorry, date start हो जाएगी, जब link आ जाएगी तो आप ये form भर सकते हो, और accordingly इसका syllabus भी आ जाएगा तो हम वो syllabus भी cover कर लेंगे। ओके, सो इसका लास्ट डेट 24th March है, और 24th February से इसकी अप्लाई करने की लिंक ऑन हो जाएगी। सो थैंक यू।